सुनो सुनो सुनो, ग्रेटा थनबर्ग के बाद, बीबीसी के बाद, हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद, जॉर्ज सोरोस के बाद, अब पेश है जैक डोर्सी। ये जैक डोर्सी है? जैक डोर्सी बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया है पूर्व सीईओ ने ट्विटर के। ये तो गलत बात, वो जैक डोर्सी है सर। ये वही जैक डोर्सी है जो डबल कॉलेज ड्रॉप आउट है। ये वही जैक डोर्सी है जिस पर $1 अरब के फ्रॉड का आरोप है। ये वही जैक डोर्सी है जिसने ट्विटर का सीईओ रहते खुलकर कहा कि हाँ, मैं लेफ्ट लिबरल गैंग का हिस्सा हूं। ये वही जैक डोर्सी है जिसे ट्विटर से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब वही जैक डोर्सी करोड़ों डॉलर गंवाने के बाद, नौकरी से निकाले जाने के बाद भारत के खिलाफ बोल रहा है। India, for example, India is a country. और जानते हैं, इसके साथ ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने डोर्सी के दुम को पकड़ लिया है। ये जैक डोर्सी है? जैक डोर्सी बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया है पूर्व सीईओ ने ट्विटर के। ये तो गलत बात, वो जैक डोर्सी है सर। अब आपके सामने कुछ सवाल। पूरी दुनिया पागल है कि भारत की महंगाई दर इतनी कम कैसे है? कभी विपक्ष के मुंह से एक भी शब्द आपने सुना क्या? विश्व बैंक ने कहा कि भारत का विकास दर दुनिया में सबसे तेज रहेगा। विपक्ष के हर नेता ने नाक कान आंख बंद कर लिया। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि भारत ने मोदी राज में हर क्षेत्र में डंका पीट दिया है। लेकिन विपक्ष के नेता ने कुछ कहा क्या? विश्व बैंक के इंडेक्स में भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या किसी ने कुछ कहा क्या? वर्ल्ड लीडर्स के साथ मीटिंग में भारत ही छाया रहा, लेकिन विपक्ष ने कुछ कहा क्या? मगर कोई विदेश में बैठा व्यक्ति भारत की जरा सी बुराई कर दे तो बस देखिए क्या होता है, सारे विपक्षी नेता टूट पड़ते हैं। लेकिन क्यों जानते हैं? इसलिए कि पहली बार अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी दे रहा है। देख लीजिए, यही है असली खबर। और हाँ, एक बात ये भी याद रखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं तो उसी समय ठीक उससे पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर के साथ अपना वीडियो साझा किया है और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ भारत की बुराई है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसमें सिर्फ भारत के लोगों में हीनता का भाव भरने की कोशिश की गई है। इस वीडियो का मकसद ये है कि भारत के लोग हीनता के भाव से भर जाएं। ड्राइवर जानते हैं क्या कहता है? भारत में महंगाई बहुत है। अरे भैया, अभी तो मैंने आंकड़ा दिखाया, अमेरिका से तो कम है। इस वीडियो में अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि भारत में चोर ही भरे पड़े हैं, ट्रकों की चोरी हो जाती है, भारत की पुलिस इंसानियत से काम नहीं करती। जानते हैं दोस्तों, मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार अमेरिका से लौटकर एक शख्स ने बताया, पहली बार गया था, उसने बताया कि जानते हैं, अमेरिका में जो मेड है वो भी अंग्रेजी बोलता है, जो लोग काम करते हैं झाड़ू पोछा का, वो भी अंग्रेजी में ही बात करते हैं। अरे भैया, जब वहाँ की भाषा ही अंग्रेजी है तो वो क्या उर्दू में बोलेंगे? लेकिन ज़रा सोचिए, ये वो मानसिकता है दोस्तों जो भारत के लोगों में हीनता का भाव भरने की कोशिश करती है। लेकिन आज की कहानी इससे भी बड़ी है। आज की कहानी प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी है, जिसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। 2024 के पहले ये सबसे बड़ी साजिश है और आज के वीडियो में दोस्तों इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। मोदी के नेतृत्व में भारत कितना आगे बढ़ चुका है, इसका एहसास हो सकता है हमें आपको ना हो, लेकिन अमेरिका को है, पूरी दुनिया को है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के राजकीय दौरे पर वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी ने न्योता भेजा है। ये 20 जून से शुरू होने वाला है और हम सब जानते हैं अमेरिका के लोग तो वैसे भी बहुत उत्साहित हैं
ये जो यात्रा है ना दोस्तों, ये विश्व मंच पर भारत को एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में मान्यता है। ये बात आप समझ लीजिए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका भी खुलासा मैं कर देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की स्टेट विजिट का अमेरिका का सैन्य तंत्र सिर्फ पेंटागन ही इंतज़ार नहीं कर रहा है, बल्कि राष्ट्रपति भी उतनी ही बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और अपने इस ऐतिहासिक स्टेट विजिट के दौरान प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। और ये बात आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। और ये भी याद रखिए, आपको एक और दिलचस्प जानकारी देता हूँ कि जो बाइडेन के कार्यकाल में अब तक सिर्फ दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों को ही ये सम्मान मिला है। पीएम मोदी से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री मोदी तीसरे ऐसे नेता हैं। यानी भारत में, और एक जानकारी आपको देता हूँ कि भारत में गांधी परिवार के किसी भी प्रधानमंत्री को ये सम्मान नहीं मिला है, ना जवाहरलाल नेहरू को, ना इंदिरा गांधी को, और ना ही राजीव गांधी को। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से अमेरिका भारत का सबसे करीबी और सबसे प्रमुख पार्टनर बनने का अपना सपना पूरा करना चाहता है। जाहिर है भारत के विरोध में जो एलिमेंट भरे पड़े हैं वो तो अमेरिका में भी मौजूद है, और वही अड़ंगा लगा रहे हैं, वही भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वो भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते हैं। और ये सारे के सारे लोग लेफ्ट लिबरल मीडिया और उसके गैंग से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए अमेरिका ने, व्हाइट हाउस ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले सभी लोगों को करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में विरोध का माहौल बनाने के लिए क्या कुछ किया गया दोस्तों, ये किसी से छिपा नहीं। अभी तो राहुल गांधी वहां से लौट कर आए हैं और व्हाइट हाउस में एक सीक्रेट मीटिंग भी की थी, इसकी भी जानकारी मिल गई। इस दौरे पर राहुल गांधी ने जो कहा वही तो आज ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी भी कह रहे हैं, यही तो कहानी है ना। और दोनों प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक ही नैरेटिव चला रहे हैं। जैक डोर्सी ने क्या कहा? जैक डोर्सी ने यह कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर पर जबरदस्त दबाव बनाया था, कर्मचारियों के घरों और दफ्तरों पर छापेमारी करने की धमकी दी थी। और जो जैक डोर्सी ने कहा उस बयान को सारे लोगों ने प्रमुखता से छापा। आपने तो देखा होगा कि सारे न्यूज चैनल भी इस पर भिड़ पड़े थे, सारे पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने तो वो आपको बयान भी सुना दिए। लेकिन भारत सरकार के आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इनके झूठ की पोल पट्टी खोल दी। उन्होंने कहा कि ट्विटर उस समय भारत के नियम और कानूनों को मानता ही नहीं था और मानना भी नहीं चाहता था। एक प्रकार से भारत की संप्रभुता को ये ट्विटर चुनौती दे रहा था। जैक डोर्सी ने किसानों को लेकर जो बयान दिया है वही लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो काम कर रहा है ना, जिस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है, ये उसी तरह का है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ घर के भीतर और घर के बाहर दोनों जगह माहौल बनाया जा सके और उसे दिखाया जा सके। क्यों? क्योंकि जैक डोर्सी ने खुद स्वीकार किया था कि वह लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की विचारधारा को मानने वाला शख्स है। और यही नहीं दोस्तों, अब मैं आपको जैक डोर्सी की कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, हैरान करने वाली चीज़ें जो पूरी दुनिया को पता है लेकिन आज इस कॉन्टेक्स्ट में आपको भी पता होना चाहिए। जैक डोर्सी ने जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव को ट्विटर के जरिए प्रभावित करने की कोशिश की वो किसी से छिपा नहीं है। जैक डोर्सी ने प्रमुख हस्तियों के ट्विटर अकाउंट के साथ खेल करके चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। और जैक डोर्सी सिर्फ अपनी विचारधारा के लिए अनैतिक काम ही नहीं करते हैं बल्कि भ्रष्टाचार करने से भी बाज नहीं आते हैं। अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ
कि जैक डोर्सी ने अपने एक फाइनेंशियल ऐप के जरिए अपराधियों को लोगों को लूटने का मौका दिया। देख लीजिए रिपोर्ट, ये इसमें चीजें साफ लिखी हुई हैं और इसके जरिए जैक डोर्सी को $1 बिलियन से भी अधिक की कमाई की खबरें सामने आई। मैं जो भी चीजें कह रहा हूं जैक डोर्सी के बारे में दोस्तों, ये रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। जैक डोर्सी को अनैतिक और भ्रष्ट काम करने की आदत है। 2018 में जब वह भारत की यात्रा पर आया था तो यहाँ के लेफ्ट लिबरल गैंग से मिला और यहाँ पर एक सेमिनार में हिंदुओं के ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। इससे देश में जैक डोर्सी का जबरदस्त विरोध हुआ था। जैक डोर्सी वो शख्स है जिसने भारत सरकार के खिलाफ अपने सोशल मीडिया के पूरे तंत्र को लगा दिया था। आपको उदाहरण दे रहा हूं, 2014 के चुनाव के दौर में ही प्रधानमंत्री मोदी के धुर विरोधी राहिल खुर्शीद को ट्विटर इंडिया का प्रमुख बना दिया गया। ऐसे व्यक्ति को ट्विटर का हेड बनाया गया जो राजनीतिक रूप से निष्पक्ष नहीं था। वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने 2012 के ट्वीट में ही फासिस्ट बता चुका था और भारत के न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए, आप ये ट्वीट देखिए, मास मर्डरर तक बताया था। ये वो व्यक्ति है, आप सोचिए, ट्विटर इंडिया का हेड था, ये क्या करता होगा। और यही जैक डोर्सी ने इसको नियुक्त किया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो राहिल है ना, इसने देश में लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का विरोध करने वाले जो ट्विटर अकाउंट थे उसको बंद करने लगा। इसमें कई नामचीन व्यक्तियों के ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए और इसकी वजह से भी भारत के अंदर ट्विटर का जमकर विरोध हुआ था। इसी दौरान राहिल खुर्शीद और जैक डोर्सी ने प्रधानमंत्री मोदी की धुर विरोधी महिमा कॉल को पब्लिक पॉलिसी हेड बना दिया। अब ये महिमा कॉल कौन है? इसने जिस तरह से इस देश के लोकतंत्र का अपमान करते हुए, धता बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगला, वो आज अगर आप देख लेना तो हैरान हो जाएंगे। और जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ महिमा कॉल के ट्वीट के बारे में लोगों को जानकारी मिली तो इसने धड़ाधड़ सारे ट्वीट्स हटा दिए। जो आज भी इसके जो स्क्रीनशॉट हैं वो इस आर्टिकल में, ऑप इंडिया का आर्टिकल है, इसमें जाकर देख सकते हैं कि इसने क्या क्या प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा है। अब आपको मैं एक और खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ। एक तरफ जैक डोर्सी जब इस तरह के विवादित बयान दे रहा है तो उसी समय लेफ्ट लिबरल गैंग बीबीसी के साथ मिलकर फिर उस पुराने मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के साथ ही उसने ये ऐलान कर दिया, कुछ लोगों ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या इस विवाद का अंत नहीं हो जाना चाहिए था? लेकिन ये गैंग ऐसा है दोस्तों, ये किसी पर विश्वास नहीं करता। इसका एक ही मकसद है, भारत को बदनाम करो। ये मोदी को नहीं, भारत सरकार की व्यवस्थाओं को, भारत के संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से भारत में इस पर बैन लगाना पड़ा। जबकि जैक डोर्सी की तरह बीबीसी ने भी ये स्वीकार किया था कि उसने भारत में कानूनों को तोड़ा और टैक्स चोरी की। अब आप याद रखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा है, जैक डोर्सी बयान देते हैं, किस पर बयान देते हैं? किसान आंदोलन पर देते हैं। लेकिन मज़े की बात देखिए कि फिर से पहलवान आंदोलन के ख़त्म होने, ध्वस्त होने, उस आंदोलन पर पानी फिर जाने के बाद फिर से हरियाणा में किसान आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। कौन कर रहा है? यही राकेश टिकैत हैं, यही अगुवाई कर रहे हैं। और आप देखिए किस मुद्दे पर हो रहा है, आप इस ग्राफिक्स को देखिए, सूरजमुखी फसल को लेकर हो रहा है। कितना मिलता है हरियाणा में, आप देखकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हरियाणा में सबसे अधिक 5900 रुपये मिलते हैं। बाकी राज्य देख लीजिए, कर्नाटक में 4077, पंजाब, ये बड़े केजरीवाल जी का भी बयान मैंने दिखाया, बड़ा किसान आंदोलन पे कर रहे थे, अब तो पंजाब में लाठियां बरसती हैं, पंजाब में सिर्फ 4000, बाकी राज्यों की छोड़ दीजिए, पंजाब में 4000,
वहां यह प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, और जिस हरियाणा में 5,900 करीब 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं वहां ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार की तरह आंदोलन कर रहे किसानों पर लाठियां नहीं चलाई और लगभग सारी मांगे मान ली, और इस प्रकार आंदोलन जीवियों की सारी मंशा धरी की धरी रह गई। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये विदेशी शक्तियां भारत के अंदर बैठी हुई शक्तियों के साथ मिलकर सिर्फ एक मकसद से कि किसी प्रकार से मोदी को हटा दिया जाए, हम मोदी को हटाने का मतलब तो आप और हम समझते हैं ना, मोदी का मतलब है एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत, वो भारत जो पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाता है, पूरी दुनिया भारत के महत्व को स्वीकार करती है। लेकिन मोदी के हटने का मतलब क्या है, आप 10 साल पुराने समय में पहुंचिए दोस्तों, भारत एक ऐसा देश था जो अनिश्चितताओं से भर गया था, इसी कांग्रेस राज में हर दिन एक नए घोटाले आ रहे थे, कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा था, और पूरी दुनिया के सामने भारत की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी थी। तो ये कमजोर भारत एंटी इंडिया एलिमेंट की सबसे बड़ी चाहत है, और इसीलिए विदेशी शक्तियां भी इस मामले में सक्रिय हो गई हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों 2024 का चुनाव नज़दीक है, आपको इन खबरों के साथ वास्ता कराऊं, आप इन खबरों को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें, इसी वजह से मैंने ये पूरा का पूरा जो खेल है वो आपके सामने लाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।